द केरल स्टोरी का ये टीजर काफी सुर्खियों में है। सबसे पहले तो आप ये पूरा टीजर गौर से देखिए। मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। This is the Kerala story. ये टीजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सच्ची कहानी बताते हुए शेयर किया जा रहा है। दावा है कि सुदीप्त सेन के निर्देशन और विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म केरल से लापता हुई 32,000 महिलाओं के साथ क्या हुआ इसकी सच्चाई दिखाती है। सुदीप्त सेन ने ये टीजर ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया था। मीडिया से बात करते हुए सुदीप्त सेन ने कहा कि एक जांच के मुताबिक 2009 से केरल की हिंदू और ईसाई समुदाय की तकरीबन 32,000 लड़कियों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है, और इनमें से ज्यादातर लड़कियां सीरिया और अफगानिस्तान जैसे ISIS और हक्कानी प्रभाव वाले एरिया में पहुंची है। टीजर में दिखने वाली लड़की फातिमा का किरदार अभिनेत्री अदा शर्मा ने निभाया है, और उन्होंने ये क्लिप #TrueStory के साथ ट्वीट भी की थी। कई मीडिया संगठनों ने भी इस टीजर को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश किए, जिसमें ऑप इंडिया, जी न्यूज, फिल्म कंपेनियन, द स्टेटमेंट, आउटलुक, ई टाइम्स शामिल है। RSS के मुखपत्र का पांचजन्य ने भी ये क्लिप ट्वीट की और इसे केरल की 32,000 महिलाओं के मुस्लिम बनने की कहानी बताया। जर्नलिस्ट अभिजीत मजुमदार, व्यवसायी अरुण पुदुर, तारक फतेह, अंशुल पांडे ने भी इस टीजर के बारे में ट्वीट्स किए हैं। वहीं पत्रकारिता और फिल्म जगत से जुड़े कई नामी लोगों ने द केरल स्टोरी के बारे में ट्वीट किया। हालांकि जांच करते हुए हमने पाया कि केरल की 32,000 लड़कियों के इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने का कोई सबूत नहीं है। ऑल्ट न्यूज को सुदीप्त सेन का ये इंटरव्यू मिला। इसमें उन्होंने कहा है कि 2010 में केरल के पूर्व CM ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल तकरीबन 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही है। इस आधार पर सुदीप्तो ने कहा कि 10 सालों में ये आंकड़ा लगभग 32,000 तक पहुंच गया होगा। ऑल्ट न्यूज ने सुदीप्तो सेन से इन आंकड़ों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा उनका नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी। और आगे उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने ये आंकड़ा राज्य विधानसभा में रखा था, तो ये उनका नंबर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया होता तो उसके बारे में कोई न कोई रिपोर्ट जरूर होती। 2012 की इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 जून को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य विधानमंडल में बताया था कि 2006 से राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, यानी साल 2006 से साल 2012 तक। वही रिपोर्ट में महिलाओं के ISIS में शामिल होने की या जबरन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी ओमन चांडी के हवाले से यही डेटा बताया गया है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में सुदीप्त सेन द्वारा बताए गए वार्षिक आंकड़े के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमने सुदीप्त सेन से द टाइम्स ऑफ इंडिया या उनके पास मौजूद किसी सोर्स डेटा को शेयर करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताया कि वो फिल्म की रिलीज के बाद डेटा का सोर्स शेयर करेंगे। आगे सुदीप्त सेन ने इंटरव्यू में ये कहा कि 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि ISIS के नेतृत्व में इस्लामिक चरणपंथियों ने केरल में ISIS का केंद्र बनाने की भयानक योजना बनाई है, और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। द केरल स्टोरी में VS अच्युतानंद का ये वीडियो भी इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन मूवी में इस क्लिप के भाषण का जो अनुवाद किया गया है वो असल में गलत है। स्क्रीन पर आप मूवी में इस्तेमाल किए गए अनुवाद और असली अनुवाद के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी असली बयान में अंतर होने की बात बताई, यानी द केरल स्टोरी को विश्वसनीयता देने के लिए फिल्म निर्माता ने ओमन चांडी और वीएस अच्युतानंद दोनों को गलत तरीके से कोट किया। मूल रूप से वीएस अच्युतानंद ने लव जिहाद के बारे में बात की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके हवाले से लिखा था कि पीएफआई राज्य में मुस्लिम संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस ने इस बयान को बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने की योजना बताई थी और उस वक्त विपक्ष के नेता रहे ओमन चांडी ने सीएम के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अच्युतानंद ने बाद में विधानसभा में बताया था कि पीएफआई के खिलाफ उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सुदीप्तो सेन ने 2018 में भी इन द नेम ऑफ लव नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें भी केरल और मैंगलोर से 32,000 लड़कियों के मुस्लिम धर्म में परिवर्तन होने का दावा किया गया था। ऑल्ट न्यूज ने इन आंकड़ों को सही ठहराने के लिए फिल्म के बायो में बताई गई कथित हालिया रिपोर्ट की मांग की, लेकिन हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद जेएनयू में हुए हंगामे के बाद सुदीप्तो सेन ने दावा किया कि उनकी फिल्म लव जिहाद के बारे में नहीं थी। हालांकि उनके इस दावे को फिल्म के कुछ क्रू मेंबर्स ने झुठला दिया है। द प्रिंट को बयान देते हुए सुदीप्तो सेन ने कहा था कि वो फिल्म के जरिए लव जिहाद के झूठे दावे को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इंटरव्यू के दौरान सुदीप्तो ने कहा था कि अब वो लव जिहाद के बारे में एक फीचर बना रहे हैं कि कैसे इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए एक जनसंपर्क अधिकारी ने द केरल स्टोरी के टीजर में किए गए दावे को पूरी तरह से निराधार बताया। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 ने बताया कि नवंबर 2020 तक आईएसआईएस से 66 भारतीय मूल के व्यक्तियों के जुड़े होने की बात सामने आई है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान की जेल में 4 भारतीय महिलाएं बंद हैं जो अपने पतियों के साथ खुरासान प्रांत के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इसके अलावा YIS and Kerala टाइटल वाले पेपर में लिखा है कि 2014 से 2018 तक भारत में IS समर्थक मामलों की संख्या 180 से 200 के बीच है। लेखक मोहम्मद सिनान सियाच ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि भारत से 32,000 महिलाओं के इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का दावा सही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से ISIS में 40,000 विदेशी लड़ाके शामिल है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत से कुल 100-200 से ज्यादा लोग ग्रुप में शामिल नहीं हुए और इनमें केरल वासी का हिस्सा लगभग 20-25% है। मोहम्मद सिनान सियाच ने आगे कहा कि किसी भी सोर्स में 200 से ज्यादा भारतीयों के ISIS में शामिल होने की बात बताई गई है, जो कि काफी कम संख्या है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केरल की 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन करने और विदेश भेजने के दावे को खारिज किया। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री को खत भी लिखा है। वहीं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी पीएस श्री कुमार ने हमें बताया कि 32,000 का आंकड़ा राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने का दावा मनगढ़ंत है। ओमन चांडी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया था। यानी द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने भारत के केरल राज्य से 32,000 महिलाओं के ISIS में शामिल होने का दावा किया, जबकि इस दावे की पुष्टि करने वाले किसी सबूत को वो पेश नहीं कर पाए और इसके अलावा सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आंकड़े भी इस दावे का समर्थन नहीं करते।